रमजान की शॉपिंग की काफी लेट क्योंकि मैं पाकिस्तान में था। यह है वो बॉक्स जिसका बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा ही है। इसके अलावा इस साल हमने अल जदीद में बड़े स्पेशल अरब में स्पेशल रमजान में लगाया जाता है, इसलिए हमने अपने बुफे एरिया में इनको लगाया। रमजान इफ्तार बुफे ओनली फॉर 59 रियाल। अहलन या रमजान, हैप्पी रमजान। आज हमारे अहमद साहब भी हमारे साथ चल रहे हैं। अहमद, हाउ आर यू? डियर गुड। और कोई शॉपिंग हो या ना हो, अहमद साहब की शॉपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी की हालत देखें, दिनों से गाड़ी को साफ नहीं किया गया तो इसकी ये हालत हो गई है। हाँ, वेलकम टू द कार। शीशे की बड़ी बुरी हालत बनी हुई थी। नो आइडिया ये तरीका कार सही है कि नहीं, बट used it. जद्दा का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है ब्रो। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। आई थिंक आने वाले कुछ अरसे में सर्दियाँ, जो रमजान है ना, वो सर्दियों में हुआ करेगा। और आई थिंक मुझे रोजा लग रहा है। रोजे की हालत में इसको देखना बहुत बड़ा टॉर्चर है बॉस। अपनी फेवरेट मार्केट अल दानियूब, वो जो बॉक्स है ना वो भी यहाँ से लेंगे इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है वो। अहमद बॉस कम आउट, यल्ला यल्ला। आज आप इनकी रिस्पेक्ट करें, कल ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रॉली बड़ी है और बच्चे छोटे। इट्स वेरी स्मॉल। ये हैं जी बॉक्सेस जो मैं लेना चाह रहा हूँ। पहले 159 रियाल थे, अभी 114 के। अमेजिंग, वाह। ये काफ़ी भारी था यार, काफ़ी हैवी था। पहले 25 रियाल का था, अभी 16 रियाल का हो गया। पहले 22 रियाल का था, 12 रियाल का हो गया। पहले 8 रियाल का था, अभी 5 रियाल का तकरीबन हो गया। और इसके नीचे भी पहले ये 5 रियाल के थे, अभी 3.50 के हो गए। यहाँ पे जो है ना, हर चीज़ सस्ती हो जाती है सऊदी अरब में। रमजान के अंदर सब कुछ सस्ता हो जाता है। मसालों के एरिए में आ गए हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी रमजान के लिए, बेसन। कोड़े शकोड़े बनाने हैं ना यार, पकौड़े शकोड़े। रमजान में जी इन समोसों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस अहमद? अहमद साहब ने अपनी शॉपिंग कर ली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विम्टो, जिस तरह हमारे यहाँ रूह अफ़ज़ा होता है, अरबी में इसको विम्टो बड़ा पसंद किया जाता है। बॉक्स रख लिया जी हमने। इस बॉक्स की अभी हम लोग अल जदीद की अपडेट भी देते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। मीट यू इन अल जदीद। वेलकम टू अल जदीद। अनबॉक्सिंग करने से पहले थोड़ी सी अपडेट बतानी है अल जदीद के बारे में। ये यहाँ अरब में स्पेशल रमजान में लगाया जाता है, इसलिए हमने अपने बुफे एरिया में इनको लगाया है। लेकिन जो इस साइड के बुफे हैं, हमने उन पर नहीं लगाया हुआ। और इस मरतबा हम अपने बुफे में सारी जितनी भी हमारी प्रीमियम आइटम्स है ना, वो दे रहे हैं, स्पेशल आइटम्स। रमजान इफ्तार बुफे ओनली फॉर 59 रियाल। अदील, वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। यार अदील, ये जितने भी बुफे लगे हैं, इनमें कितनी डिशेस हैं टोटल? 23 डिशेस हैं। 24 हैं। क्या-क्या डिशेस हैं? इसमें अभी तो बुफे हमने लगाया ही नहीं है। यहाँ पे सूप होगा, इसमें चिकन सूप, दाल सूप, इसमें हमारे समोसे पकौड़े आ जाएंगे। इसके बाद इसमें हमारी दाल है। पता है क्या करते हैं? हमारी नई सब्जी भी है। नई सब्जी? आलू बैंगन। आलू बैंगन, आलू बैंगन भी है। फिलहाल हम लोग जाते हैं किचन में। यहाँ पे हमारे जनाब जबरदस्त किस्म के सैलड्स तैयार हो रहे हैं। ये ग्रीन सैलड है, ये आई थिंक रशियन सैलड है, और ये क्या यार? ये है तंबूला। और ये आपके हाथ में भी कुछ है, ये क्या? ये कोल्ड सैलड। वाह, इस मरतबा काफी गेम ऑन रखी हुई हम लोग। यहाँ पे हमारे पास चने तैयार हो रहे हैं। लुक एट दिस यूनिक बाल्टी या देख, इसके अंदर हमारा स्पेशल हलीम है। ये वन ऑफ द बेस्ट हलीम है जद्दा का। यार ये कोई नई चीज नजर आ रही है जासाब, ये क्या? ये सर नूडल्स है हमारे पास। हाँ हाँ, इसमें तो नूडल्स भी दे रहे हैं। जी सर। ओए होए होए, क्या बात है। अच्छा, ये स्पाइसी है नॉन स्पाइसी? नॉन स्पाइसी। ओए, बैंगन भी तैयार हैं। और ये आलू, ये आलू किस चीज के हैं जासाब? ये आलू मसाला है सर। सादा आलू मसाला। आलू मसाला भाई, आलू मसाला भी है। मतलब जो हमारी बारबेक्यू की गेम है वो भी अलग लेवल। सलाम अलैकुम जी। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। ये बताएं यहाँ पे क्या बना रहे हैं? चिकन कबाब है, मटन कबाब। हाँ, ओके। अच्छा, बुफे में हमारे चिकन कबाब है, मटन कबाब है, और चिकन बोटी भी है ना, और चपली कबाब भी है।
मर्ची लवर्स, आप लोगों का बड़ा ख्याल रखा हुआ हमने। ये देख रहे हैं लाल लाल किस्म की चटनी, ये सही स्पाइसी होगी अब्दुल्ला। अच्छा, ये हमारी पहली शिफ्ट चली गई है बुफे को रेडी करने के लिए। बिलाल हम लोग चलते हैं अपने ऑफिस में उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने के लिए। सो यहाँ पे साइड पे इन्होंने जी बड़ा जबरदस्त हैंडल भी दिया हुआ है। काफी भारी है यार, हमें चाकू चाहिए होगा, इससे हम लोग अनबॉक्स करेंगे। वैसे ये इतना वो तेज नहीं है। अमेजिंग, ये इतनी जबरदस्त और इतनी सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं इस बॉक्स के अंदर। आई थिंक रमजान के लिए सारी चीजें इनफ रहेंगी। आपको यहाँ पे मिल जाता है एक तेल, मिल जाता है बड़े अच्छे लेवल का, फिर आपको मिल जाता है आटा, वाह, फिर आपको मिल जाते हैं नूडल्स, दो ये नूडल्स डाले हुए इसके अंदर। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सिर्फ ये 114 रियाल का है। खजूर, ये अरब्स बड़े पसंद करते हैं फूल, दो भाई, एक नहीं दो दो। स्वीट में कस्टर्ड कैरमेल, ये दलिया भी आपको दिया जाता है, और इसके अलावा टमाटर, टमाटर पेस्ट। इसमें बचपन की यादें हैं, टैंग, टैंग भी मिलता है इसके अंदर, चीनी, चाय के लिए पत्ती, और सबसे इम्पोर्टेंट चावल। चावल ना हो तो बिरयानी नहीं, चावल ना हो तो मंदी नहीं, चावल ना हो तो रुजबखार ही नहीं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बस, और इस बैग में कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ 114 रियाल का है। अल्लाह ताला खुश रखे दानू बोलों को। तफ्तारी का टाइम हो रहा है, इसलिए अभी हमें किचन और नीचे बुफे की हालत देखने जाते हैं। खाली ना एक बाल्टी बिरयानी पार्सल है भाई, चार रोटी पार्सल है, चार। बुफे के अलावा पार्सल वगैरह भी आप ले जा सकते हैं। बॉस, हमारे पास यहाँ पे दो जूसेस होते हैं, ये है विम्टो और ये है रूह अफ़ज़ा। ये है हमारे देसी भाइयों के लिए, और ये है हमारे अरबी गेस्ट के लिए। मस, और ये है खजूर। ये जितने भी आपको प्लेट्स नजर आ रही है, ये सारी प्लेट्स फुल की जाएंगे। इस दाल चना कढ़ाई में स्पेशल बनाते हैं। रमजान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है समोसे और पकौड़े, वो तो बताया नहीं मैंने। पाकिस्तानी स्टाइल ये पकौड़े, हमारे स्पेशल पकौड़े, और ये है जी हमारी मछली। जरा थोड़ा ऊपर करो ना, वो मछली फ्राई है। कबाब का सीन ऑन है, बहुत कबाब एकदम तैयार होना शुरू हो गए सर्विंग के लिए। ये चपली कबाब, मटन कबाब, ये चिकन, चिकन बॉडी, और ये चिकन कबाब। इसके बगैर हमारा खाना टेस्टी नहीं। ये मछलियाँ दी हुई हमने साथ में, फिश एंड चिप्स का भी ऑप्शन है जी। ये हमारी फ्राइड फिश है, जो कि काफी बुफे में पसंद की जाती है। फिश एंड चिप्स तो है, लेकिन बाल्टी बिरयानी का सीन भी है हमारे पास। लगती है कराची की बिरयानी के नहीं है। वेजिटेबल राइस है, ये भी हमारे किचन में होंगे। हाँ जी जी, ये हमारी दाल सूप, ये क्या हमारा स्टॉक, ये दो पॉट्स हैं ना, ये हमारे सूप्स के लिए। एक में जाएगी चिकन कॉर्न सूप और दूसरी में जाएगी दाल सूप। तीनों कुछ खास डिशेस के लिए खास किस्म के चमचे होते हैं यार। अदील, ये किसके लिए होते हैं? ये हमारे बारबेक्यू की आइटम है। ये बारबेक्यू के लिए होता है। इसमें चिकन कबाब, मटन कबाब और चिकन बोटी को उठाने के। और ये वाला, ये होगा हमारी फिश फ्राई। इसमें ये फिश फ्राई के लिए, ये चमचा फिश के लिए। अदील, ये किसके लिए होता है चमचा? ये हमारा क्या नाम है, ये क्या करो ना, नूडल्स के लिए। नूडल्स के लिए यार, ये जो देगा ना पूरे बुफे, जितने भी बुफे, ये देसी चीज लगती है। इसके अंदर अलीम भी है ना, देसी अपना स्पेशल। यहाँ पे हमारे पास जी कावा भी है, अरबी गहवा भी है, उसके बाद चाय भी है। अजान हो गई है जी, अल जदीद में हमने जो है ना अजान का सिस्टम भी किया हुआ है, ताकि प्रॉपरली अजान से आ सके। पहले हम लोग मगरब की नमाज पढ़ लेते हैं जी, उसके बाद हम लोग फिर बाकी जो आइटम है उनको ट्राई करते हैं। भूख लगी हुई है, लेकिन नमाज इज मस्ट इन फर्स्ट। ये हमने यहाँ पे मसल्ला बिठाया हुआ अपने पार्टी हॉल में, यहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते। ये जी हमारे समोसे पकौड़े, तो सबसे पहले जी पकौड़ा देखते हैं हम लोग। तीन किस्म की हमारे पास चटनियाँ होती हैं, लेकिन मैं ये वाली चटनी प्रेफर करता हूँ समोसे के साथ, ग्रीन चटनी। मैं भी आपको हैक भी बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त हैक, आप अलजदीद में आके जरूर करिएगा। द ब्यूटीफुल कीमा व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ इट। बिस्मिल्लाह। आलू के समोसे की कंडीशन बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है बॉस। ताजे ताजे आलू मसालों के साथ फुल हुए हुए। ये वाली
लाल चटनी है हमारी, एक्सट्रीमली स्पाइसी होती है। आप जो ना हमारी कराची वाली बिरयानी लें, उसके ऊपर ये हलीम हम लोग देते हैं, हलीम डालें और इसको मिक्स करके जो है ना आप टेस्ट करें ये इस तरीके से। एक सेकंड, ये अल्टीमेट बाइट होता है आपका यार, अगर आप रोजे में तो माजरत, रियली सॉरी। हलीम विद आवर कराची स्टाइल बिरयानी बहुत डिलीशियस होती है। खैर अभी बहुत कुछ और खाने को है, जरूर विजिट करें एंड यू विल एंजॉय इट। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।